वेलकम माई चैनल इन जिप स्टेशन। मैं आज आपको ट्रैवलिंग बैग बनाना बताऊंगी, या आप इसको कहीं भी ट्रैवल करके ले जा सकते हैं। देखिए, इसमें एक बिग पॉकेट है, बिल्कुल जितना बैग है हमारा उतनी ही बड़ी पॉकेट है इसके अंदर। एक पॉकेट हमारी ये है और एक पॉकेट हमारी यहाँ पीछे की साइड एक और है। बिल्कुल इसके अंदर दो आप जितना सामान डाल सकते हैं उतना डाल सकता है। ये 4-5 सूट्स के लिए है ये, और हमारी आगे और ये पीछे दो पॉकेट है। यहाँ से हमारा ये पूरा बैग है ये, देखिए। और इसमें मैंने एक विदाउट जिप की एक अंदर पॉकेट बनाई है इसके अंदर, देखिए। एक पॉकेट यहाँ इसके अंदर है, और ये एक मैंने स्टेप इसका यहाँ जॉइंट किया है। आप यहाँ पर भी स्टेप लगा सकते हैं, अगर छोटा बनाना है आपको बैग हाथ से पकड़ने, वहाँ भी है। लेकिन ये शोल्डर बैग हो गया, ये साइड बैग की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर मैंने टू रनर्स का भी लिया है ताकि ये लॉक हो जाए। ये टू रनर्स है इसके अंदर, देखिए बैग। चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये मैंने इसमें ये टू पीस लिए हैं। आपको जितना बड़ा बैग बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी साइज ले सकते हैं। इसमें कोई मेजरमेंट वाली बात नहीं है, आप इसको जितना बड़ा छोटा लो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना साइज ले लीजिए। मैंने इसमें ये टू पीस लिए हैं, इसके टू पीस है। मैंने ये क्विल्टेड कर रखा है, इसमें ये फॉर्म प्लस लाइनिंग को मैंने जॉइंट करके ये मैंने इसको क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। टू पीस इसके लेने हैं। इसके बाद हमें इसमें आगे पॉकेट, हमें यहाँ पर पॉकेट बनानी है इसकी। इसके पॉकेट के लिए हमें एक पहले लाइनिंग इसका एक पार्ट ले लेते हैं एक बार। हमें इसमें पहले एक लाइनिंग का पार्ट लेना है। ये लाइनिंग का पार्ट लिया मैंने इसके लेंथ के बराबर, और मैंने इसकी विड्थ कम रखी है क्योंकि हमें यहाँ पर चैन लगानी है। चैन लगा और ऊपर भी हमें एक पार्ट लाइनिंग का लेना है। देखिए, मैंने इसी के जितना साइज था बैग, उसी बैग के अकॉर्डिंग मैंने दो लाइनिंग पार्ट के और बीच में कट कर लिया है ताकि हमें यहाँ पर इसमें जिप ऐड करेंगे। इसी के साथ में ही हमें मेन फैब्रिक लेना है, ऊपर के साइज का ये हमें इसी के साइज का लेना है, और जो नीचे का पार्ट है नीचे के पार्ट को हमें डबल लेना है। ये मैंने डबल ले लिया है, देखिए इस तरीके से ये हमें डबल पार्ट लेना है। ये दो है, ये दो पार्ट पूरा एक साथ जॉइंट है ये, और ये टू पार्ट्स, यानी टू पार्ट्स का मतलब ये इसका लाइनिंग से डबल लिया है। हमें लाइनिंग के लिए इसलिए डबल लिया है कि हमें यहाँ पर इसमें प्लीट्स लगाने हैं। प्लीट्स कैसे लगाने हैं, हमें जो ये ऊपर वाला पार्ट था इसको चारों तरफ से सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम रख देते हैं एक बार, और ये भी रख दिया। अब इसमें हमें जो ये लाइनिंग वाला पार्ट्स है, लाइनिंग वाले पार्ट्स में हमें यहाँ पर प्लीट्स लगानी है। प्लीट्स कैसे लगाएंगे हम, इसमें हमें यहाँ से थोड़ा गैप रखते हुए, क्योंकि यहाँ से हमारे स्टिच करना है, तो गैप रखते हुए हमें यहाँ से ये प्लीट्स लगाने हैं। देखिए, ये इस तरीके से हमें इसमें सारी जगह पूरे में प्लीट्स लगा लेनी। साथ साथ में हमें नीचे यहाँ से प्लीट्स लगाने के बाद जहाँ जो हम जितना हमने ऊपर प्लीट्स लगाए हैं उसी तरह हमें इसको नीचे भी प्लीट्स लगा लेना है। यहाँ पर जितना है ये देखिए, आप चाहो तो यहाँ पर प्रेस करके भी ही कर सकते हो। पहले ये इस तरीके से यहाँ करके हम इसको प्लीट्स लगा लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ नीचे भी इसके बराबर प्लीट्स लगा लिए हैं। इस तरीके से हमें इसमें पूरे कपड़े पे प्लीट्स लगा लेने हैं। पहले हम इसमें प्लीट्स लगा लेते हैं। देखिए, हमने इसमें प्लीट्स लगा लिए, ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जैसे ऊपर लगाया था उसी को ही हमने इसको फोल्ड करते हुए नीचे भी लगा लिए हैं। ये हमारा प्लीट्स से तैयार है। अब हमें इसमें पाइपिंग ऐड करनी है। पाइपिंग ऐड के लिए हमने ये पाइपिंग ली है दूसरे कलर की। आप चाहो तो इसमें
सीख नहीं, जो जैसे डॉटेड लाइन है उसी की भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस कलर की भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप ये देखिए, ये भी कलर अच्छा लगता है और मैंने इसमें डिफरेंट कलर यूज़ किया है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से इसको ये पाइपिंग लगा। देखिए हमने इसमें पाइपिंग ऐड कर ली है, ये मैंने पिनअप कर लिया है, अब इसको हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमें इसमें चैन को अप्लाई करना है, चैन को हम इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। इसके साथ ही हमने इसके जो ऊपर वाले पार्ट्स में थे यहाँ भी देख लो स्टिच कर लिया है हमने ये, और स्टिच करने के बाद इस पर भी हम पाइपिंग लगा लेंगे, और पाइपिंग लगाने के बाद हम इसको भी यहाँ पर जिप के साथ ऐड कर लेंगे। इस तरीके से ये पार्ट पूरा तैयार हो जाएगा। ये पार्ट पूरा तैयार होने के बाद हमें इसको इस पार्ट पे अप्लाई करना है, ये हमें इसको यहाँ रखना है। ये पूरा पार्ट जब तैयार हो जाएगा तब इसको हम यहाँ इस तरफ रख के इसके चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से ये पार्ट पूरा तैयार करना है और पीछे का भी पार्ट हमें तैयार कर लेना। हम दोनों साइड में एक जैसा ही बना रहे हैं तो हमें एक पार्ट और ऐसा तैयार करना है और हमें उसके ऊपर भी स्टिच कर लेना है। पहले हम उस पार्ट को तैयार कर लेते हैं। मैंने इसमें पाइपिंग और जिप को ऐड कर लिया है, ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब हमें इसके जो फैब्रिक के था मेन फैब्रिक उस पर हमें इसको ऐड करना है। इसको ये हमारा राइट साइड है और ये भी राइट साइड है, दोनों राइट साइड एक साइड रखने हैं। इसके ऊपर रख के हमें इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई कर लेनी है ताकि ये इससे अटैच हो जाए। हम इसमें पहले सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने इस पर सिलाई कर ली है, ये हमारा पूरा पैक हो चुका है और इसमें देखिए हमारी ये पॉकेट बन गई है। बहुत पॉकेट भी बहुत बड़ी बनी है, एकदम बिल्कुल पूरे बैक के जितनी पॉकेट है ये। मैंने इस पर पीछे की साइड एक ये अंदर एक पॉकेट ये सीधी पॉकेट बनाई है विदाउट जिप की। ये वैसे हमारी दो चैन बन चुकी है, दो पॉकेट बन चुकी है, एक पॉकेट मैंने अंदर की साइड और बना दी। इस पॉकेट को बनाने के लिए पहले हमें इस पॉकेट को ऐड नहीं करना है, नहीं तो हम जैसे ही स्टिच करेंगे तो हमारी ये पॉकेट भी स्टिच हो जाएगी। इसलिए हमें पहले जो नीचे का फैब्रिक है उस पर हमें पॉकेट को स्टिच करना है, उसके बाद ही हमें इसके ऊपर ये पेस्ट करना है। अब इस बना लिया हमने, अब इसके हमें साइड में हमें फैब्रिक और ऐड करना है। इसके लिए यहाँ से कटिंग कर लेनी है हमें, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम इसमें हल्की सी यूं गोलाई दे देंगे, बस हमें यहाँ से थोड़ा सा गोलाई की शेप देनी है और कुछ नहीं है। बस ये हल्की सी गोलाई दी है यहाँ से सिर्फ शेप देने के लिए और कुछ नहीं है। देखिए हमारी ये इस तरीके से यहाँ से यूं शेप बन गई है। अब हमें यहाँ पर ऊपर 2 इंच का मार्क छोड़ते हुए हम निशान लगा लेंगे। ये 2 इंच का यहाँ मार्क है हमारा और यहाँ से भी 2 इंच पे भी। अब हम इसमें पूरे यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ½ इंच पे हमारा मार्किंग आ रही है, 34 इंच, 34 ½ इंच पे हमारी मार्किंग आ रही है। 34 ½ इंच पे हमें इस तरीके से ये तैयार कर लेंगे। आपको इसकी भी विथ आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप इसकी विथ रखना चाहते हैं बैक की रख सकते हैं। मैं 3½ इंच की लिए मैंने ये, और जो इसकी लेंथ है वो 34 ½ इंच के लिए, यहाँ से जो हमने मार्किंग की थी वो उसके अकॉर्डिंग हमारा मेजरमेंट होगा। हमें इसको यहाँ पर रखना है। Thank you.
मैंने इसको यहाँ से पूरा पिनअप कर लिया है, ये मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी और यहाँ तक मैंने ये पिनअप कर लिया है। स्टिच करते वक्त हमें यहाँ से हाफ इंच का गैप रखते हुए स्टिच करना है, यहाँ से हाफ इंच, क्योंकि हमें जहाँ ऊपर हमें जिप लगानी है तो हमें जिप वाली जो लगाएंगे वो हम इसमें ऐड करते हुए लगाएंगे। तो हमने इसको हाफ इंच को छोड़ दिया है और अब हमें यहाँ से इसको स्टिच कर लेना है। ये यहाँ से इस तरीके से ये देखिए स्टिच हो जाएगा, ये मैंने पिनअप कर रखा है, ये स्टिच हो चुका है यहाँ से। और हम इसी तरह इसके जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरे पार्ट को हम इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इस पर भी हम यहाँ पर पिनअप कर लेते हैं। इस पर भी हम पिनअप करके पिनअप कर लिया। अब हमें इसको यहाँ से और ये नीचे से हमें इसको स्टिच कर लेना है। हम इसको पहले स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद हमें ऊपर यहाँ पर जिप लगा के ऐड करना है। जिप लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें होल्डर भी पकड़ने के लिए लगाने हैं। पहले हम इसको जॉइंट कर लेते हैं, इसमें इसको स्टिच कर लिया साइड से और इसको बाद में हम पाइपिंग लगा कर इसको फिनिशिंग भी दे देंगे। अभी हमने इसको बाद में सारी एक साथ लगाएंगे पाइपिंग। देखिए हमने अब इसको हम सीधा कर लेते हैं एक बार। अब हमें इसमें साइड में ये लगाना है, इसमें ये यहाँ लगाना है, इसको हमें यहाँ इसके सेंटर में लगाना है। इसको एक बार पिनअप कर देते हैं इसको, और दूसरी वाली हमें इसको यहाँ लगानी है। हमें इसको इस यहाँ से पिनअप कर लिया, इसको यहाँ से इसको ऐसे लगाना है यहाँ पर। इसको हम साथ में सिलाई करेंगे तब इसको जॉइंट कर लेंगे। अभी कोई पिनअप करके रख दिया हमने इसको। अब हमें यहाँ पर ऊपर इसमें जिप लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमें इसका मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट करने के बाद हमें इसमें ये जितना हमारा ये है, जितनी ये विथ थी, हमें उसी के विथ के अकॉर्डिंग हमने ये स्ट्रिप ली है। मैंने उसको बीच में से कट कर लिया है, जितनी ये स्ट्रिप ली थी उतनी ही हमने ये टोटल ये लिए और मैंने इसको बीच में से कट करके इसके टू पार्ट्स बना लिए हैं। मैंने इसमें फॉर्म लगाया है, लाइनिंग अभी तक यूज़ नहीं किया मैंने, लाइनिंग बाद में लगाऊंगी मैं इसमें। हम इसमें चैन ऐड करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं एक बार। इसमें जिप लगानी है, जिप लगाने के लिए हमें इसमें जिप पहले एक पार्ट लेना है। ये एक पार्ट पे हमें जिप को ये ऐसे रखनी है, रॉन्ग साइड रखनी है, ये अंदर की साइड राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है और ये अंदर भी राइट साइड है और ऊपर ये रॉन्ग साइड है। हमें इसको जिप को यहाँ रखना है और इसके ऊपर हमें लाइनिंग पे अप्लाई करना है। इसके ऊपर हम इस तरीके से लाइनिंग रखेंगे। अब हमें यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है, पिनअप कर लेती हूँ इसको। स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हम इसको जैसे इसको ओपन करेंगे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसको हम लाइनिंग को अंदर की साइड ले जाएंगे इसको और जिप को बाहर रखेंगे। लाइनिंग अंदर आ जाएगी और जिप को इसे बाहर रखना है। फिर हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे, फिर ये हमारे पूरा अंदर वाली सिलाई हो जाएगी। देखिए बाहर से पीछे से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा और आगे से भी पूरी अंदर वाली सिलाई हो चुकी है। फिर इसको सिलाई करने के बाद हम इसके ऊपर जो दूसरा वाला पार्ट है इसको यहाँ रखेंगे और लाइनिंग वाले पार्ट को हम इसके नीचे रखेंगे, यहाँ पर नीचे की साइड। एक पार्ट को जिप के ऊपर रखना है, एक पार्ट को जिप के नीचे रखना है। फिर हम इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हम इसको पूरा पिनअप करके फिर हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे और लाइनिंग वाले को यहाँ से ओपन करेंगे। फिर इसको यहाँ ओपन करके हम इसको यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये ऊपर ये पूरा तैयार हो जाएगा। पहले हम इसको तैयार करेंगे उसके बाद इस पर जॉइंट करेंगे। पहले हम इसको तैयार कर लेते हैं।
हमने इसको तैयार कर लिया है। देखिए ये अंदर से बिल्कुल भी हमारा स्टिच नहीं दिख रही है यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ साइड में से स्टिच कर लेते हैं। साइड में से स्टिच करने के लिए पहले हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। जो हमने एक इंच का छोड़ा था ये यहाँ से इसको नीचे करके हम इसको पहले यहाँ से स्टिच कर लेंगे। हम इसको हमें यहाँ से ये जॉइंट करना है। इसको स्टिच करने के बाद हम इसको यहाँ से स्टिच कर लेंगे। पहले इस साइड इसको यहाँ ही रखेंगे और इसको इस तरीके से पूरा स्टिच कर लेंगे। फिर इसको हम इस साइड लेके आएंगे या पहले हम इसको और इसको स्टिच कर लेते हैं एक बार। देखिए हमने इसको यहाँ से और इसको यहाँ से स्टिच कर लिया है। देखिए इसको ऐसे जॉइंट हो गया, बीच में हमारी स्ट्रिप आ गई है इसकी और ये यहाँ से ये हमने जॉइंट कर लिया इसको। अब हम इसको यहाँ से ऊपर से जॉइंट करेंगे। ऊपर से जॉइंट करने के लिए इसको हम ये यहाँ से इस तरीके से सारा जॉइंट कर देंगे इसको। इसको पिन कर लेते देखिए यहाँ से और इसके इस तरफ से मैंने इसको पिनअप कर लिया है। अब जहाँ से मैंने इसको पिनअप किया है हम इसको स्टिच कर लेंगे। इसको ऊपर से इस सारा हम इसको स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद हम इसमें सब में पाइपिंग ऐड कर लेंगे। पाइपिंग करते ही हमारी इसमें पूरी फिनिशिंग आ जाएगी, अंदर वाली सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। हम इसमें पाइपिंग ऐड कर लेते हैं और साथ में हम इसको ये वाला स्टिच भी कर लेते हैं। उसके बाद हमारा बैग बनके तैयार है। ऊपर जिप को ऐड कर लिया है और हम इसमें अब पाइपिंग ऐड कर लेंगे। पाइपिंग के लिए हमें पहले ये स्ट्रिप लेनी है 1.5 इंच की और हमें इसको यहाँ से एक तरफ से लगाना शुरू करना है और यहाँ ऊपर के साइड पूरे बैग में एक साइड पूरे राउंड में हम लगा लेंगे। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम इसको ऐसे करके एक स्टिच और कर लेंगे। तो हमारी ये इस तरीके से पाइपिंग मैंने एक साइड लगा ली है। देखिए मैंने यहाँ से इस तरीके से पाइपिंग लग जाएगी तो हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए ये मैंने यहाँ पर पाइपिंग नहीं लगाई है और यहाँ देखिए ये पाइपिंग ऐड कर ली है। हमारी एकदम फिनिशिंग आ जाएगी, बिल्कुल भी अंदर की सिलाई हम नहीं दिखेगी। तो बैग बनके हमारा तैयार है। हम इसको वहाँ एक साइड पाइपिंग और लगा लेंगे। देखिए कितना सुंदर बैग लग रहा है हमारा।